गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 8 जनवरी, आज के पृष्ठ का शीर्षक है, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते। ये आज का पृष्ठ परम पूज्य महाराज श्री जब गीता प्रेस गोरखपुर में पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में करीब 6 साल से अधिक वहाँ रहे और निष्काम सेवा की, उस समय बहुत सारे उनके लेख छपे और बहुत सारे छोटे छोटे ग्रंथ भी महाराज श्री ने लिखे। तो भगवान के 5 अवतार, इसमें वाराह अवतार, मत्स्य अवतार, नृसिंह अवतार, वामना अवतार और एक और अवतार, 5 अवतारों का वर्णन किया। तो प्रत्येक अवतार के बारे में उस पुस्तक में गीता प्रेस द्वारा वो छापी गई थी, बाद में सत्साहित्य प्रकाशन ने उसे, महाराष्ट्र के जितने भी लेख थे सत्साहित्य प्रकाशन वालों ने भी उसको छाप दिया। तो उसी ग्रंथ में से आज का पृष्ठ है। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते। आज के पृष्ठ में प्रवेश करने के पूर्व हमको जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये समझनी है कि ईश्वर ने जीव को अपना ही स्वरूप दे रखा है। जो सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर का है वही हमारा आपका है। होता क्या है कि जब जीव का जन्म होता है तो उसको जो शरीर मिलता है उस शरीर से उसका तादात्म्य हो जाता है। तो जो शरीर हमको मिले हुए हैं हम अपने को वही समझ रहे हैं, हम अपने को स्वरूप रूप से नहीं जान रहे हैं। इसका दृष्टांत देते हैं समझाने के लिए महात्मा लोग कि कर्ण जो था वो था तो कुंती पुत्र, पर उसको पता नहीं था क्योंकि कुंती कुमारी थी उसकी माँ और दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था तो उसको देखने के लिए कि ये सत्य है कि नहीं, सूर्य भगवान का आवाहन किया और उसी से फिर कर्ण पैदा हो गए। तो कर्ण को उन्होंने गंगा जी में बहा दिया। वही कर्ण दासराज और इनको मिल गया राधा को, तो कौनते की बजाय वो राधे अपने को जानने लगा। था तो कौनते, जब राधे था उस समय भी वो कौनते ही था, पर वो जान नहीं रहा था कि मैं कौनते हूँ। जब माँ ने बताया कि तुम मेरे पुत्र हो, तो इसी प्रकार हम हैं तो सच्चिदानंद परमात्मा ही, परंतु इस समय हमको उसकी जानकारी नहीं है क्योंकि अज्ञान है, जैसे कर्ण को नहीं पता था। अब सद्गुरु जब बताते हैं तो समस्या क्या है, समस्या ये है कि अनादि जन्मों से हम इसी शरीर को मैं मानते आ रहे हैं, जो भी शरीर मिलता है उसी को मैं मानते आ रहे हैं, तो वो स्वभाव पड़ा हुआ है। इसलिए आज महाराज जी कहेंगे कि क्या हम इतना भी नहीं कर सकते, यानी ये जो शरीर से तादाद में है ठाकुर जी इसको जानते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं कि ये जीव जो है, जैसे कुंती ने राधे को बता दिया कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम उन 5 पांडवों के भाई हो, तो वो जान गया।
तो ऐसे ही सद्गुरु और शास्त्र हमको जगाते हैं, उसके अतिरिक्त भी क्या क्या योजना भगवान बनाते हैं आज महाराज जी बताएंगे हम लोगों को जगाने के लिए। पर जागना तो हमको पड़ेगा। आप कल्पना करो कि कोई व्यक्ति सुबह जागना नहीं चाहता और हम उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जागा हुआ नहीं है, वो जाग तो गया है पर उसे उठना नहीं है, तो वो बहाना कर रहा है नींद का। तो ऐसे ही हम लोग चूँकि इस अज्ञान में रहते रहते इतने इसके आदि हो गए हैं, तो अब इससे जागना, इस प्रकार जो गुरु बतावे वो सब करना, ये है तो सात्विक बातें, पर उन सात्विक बातों को करने की जब तक हमारा निश्चय नहीं होगा तब तक वो बात बनेगी नहीं। इसीलिए महर्षि को कहना पड़ रहा है कि क्या हम इतना भी नहीं कर सकते, यानी भगवान जब इतना कर रहे हैं, भगवान क्या क्या कर रहे हैं वो सुनिए। श्री भगवान की लीला बड़ी रसमयी है। अपनी लीला के रूप में वे स्वयं अपने को ही प्रकट करते हैं। जीव कोई अलग नहीं है, स्वयं परमात्मा ही जीव बना हुआ है, वही परमेश्वर ईश्वर बना हुआ है, तो ये उसकी लीला चल रही है। चतुर्थ स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण में जो पुरंजन है, तो वो तो ठाकुर जी और वो जो है उनका सखा, ये दोनों विचर रहे थे, और ये जो सखा था ठाकुर जी का वो उसमें पूर्व को देख के उसमें घुस गया, तो उसी का नाम फिर पुरंजन पड़ा, बुद्धि से शादी कर ली। तो कहने का अर्थ है कि ये है तो लीला, विचरण कर रहे हैं दोनों, दोनों सखा हैं। उपनिषद में आया है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ईश्वर और जीव ये सखा हैं, पर ये करता क्या है जीव, ये लीला। श्री भगवान की लीला बड़ी रसमयी है, तो जीव बेचारा लीला नहीं, भगवान लीला करते हैं और ये जीव जो है वो बड़ा पूर्व अच्छा दिखा उसमें घुस गया। तो अपनी लीला के रूप में वे स्वयं अपने को ही प्रकट करते हैं। भगवान और भगवान की लीला ये दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है। एक प्रकार से यह संपूर्ण संसार भगवान की लीला ही है। कल भी बताया, परसों भी बताया, अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान ही बनाने वाले हैं, भगवान ही बनने वाले हैं, तो इसलिए संपूर्ण संसार जो है भगवान की लीला ही है, वो स्वयं ही बने हुए हैं। आप कहें इसको हम कैसे समझें, अरे भाई प्रभु कितनी कृपा करके 24 घंटे में हमको एक झलक देते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारा मन क्या करता है, हमारा मन ही स्वप्न की सृष्टि बन जाता है, और स्वप्न की सृष्टि बनाने वाला और कोई नहीं है। हमारे मन में जो संस्कार पड़े हैं उस संस्कार के अनुसार कमल को अलग स्वप्न आएगा, राम प्रसाद को अलग स्वप्न आएगा, शुभम को अलग आवेगा, शर्मा जी को अलग आवेगा। अपने अपने संस्कारों से वो जो मन है उस मन का सामर्थ्य देखिए, पूरी की पूरी स्वप्न सृष्टि। वहाँ गोविंदानंद लेटा है और एक दूसरा गोविंदानंद वहाँ बन गया, और वो गोविंदानंद स्वप्न वाला सुखी दुखी हो रहा है। ये तो बेचारा आराम से सोया है बिस्तर में, है ना, पर उससे तादात्म्य कर लिया। तो ये जो आत्मा है वो जिससे तादात्म्य करेगा, तो आत्मा ने जब उससे स्वप्न वाले शरीर से तादात्म्य कर लिया तो अब उसमें पिटाई हुई तो चिल्ला रहा है स्वप्न में, है ना, बढ़िया बढ़िया भोग मिले तो बड़ा आनंदित हो रहा है। तो ये जो सुख दुख है जो हम स्वप्न में प्रति रात 24 घंटे में एक बार अनुभव करते हैं, ऋषियों ने उस पर विचार किया है कि ठाकुर जी ने ये स्वप्न क्यों दिया, ये सुषुप्ति क्यों दी। सुषुप्ति क्या दिखा रही है, सुषुप्ति ये दिखा रही है कि किसी भी भोग की जरूरत नहीं है, उस समय हम आनंद में लेटे हैं, न चाय की जरूरत है, न भोजन की जरूरत है, न पत्नी की जरूरत है, न पति को, है ना, पत्नी को पति की जरूरत है, किसी भी भोग की जरूरत नहीं है, और व्यक्ति आनंद से सोया है।
और जैसे ही जागता है पराधीन हो जाता है। तो ये दोनों जो अवस्थाएं हैं स्वप्न और सुषुप्ति, इसका बड़ा विचार किया ऋषियों ने और बताया कि भाई तुम जागृत को ही क्यों सत्य मान रहे हो, स्वप्न और सुषुप्ति में विचार क्यों नहीं करते। तो इस अवस्थाएं बनाई है ठाकुर जी ने कृपा करके कि उस पर हम विचार करें तो हमको समझ में आएगा कि ये जो इस समय जो सृष्टि है उस सृष्टि में भी इस एक शरीर में हम अपना मैं मान के बैठ गए। तो इसमें अब जब मैं कर लिया तो सुखी दुखी होना पड़ेगा। तो इसमें से जगाते हैं सद्गुरु कि तुम ये नहीं हो, तुम सच्चिदानंद तुम्हारा स्वरूप है, जो मैं हूँ वही तुम हो। तो कह रहे हैं कि लीला जो है उसमें एक प्रकार से संपूर्ण संसार भगवान की लीला ही है, यानी जो कुछ बना हुआ है सब ठाकुर जी बने हुए हैं। जैसे स्वप्न काल में स्वप्न का जो कुछ था वो मेरा मन ही बना हुआ था, वैसे यहाँ पर सब ठाकुर जी बने हुए हैं। ये सब नाम रूप उन्हीं के हैं, वे ही हैं। परंतु अब कोई समझे कि वो इतने ही हैं जितना मैं देख रहा हूँ, परंतु वे इतने ही नहीं, इनसे परे भी हैं। यानी ये तो नाम रूप है, जैसे समुद्र है तो समुद्र में तरंगे आती है तो हम सोचें कि ये तरंगे हैं उतना ही समुद्र है, ऐसे थोड़ी है। लोगों ने, वैज्ञानिकों ने पता लगाया मीलों गहरा पानी, मीलों यानी यहाँ से हम वृंदावन चले जाएं है ना, इतना गहरा समुद्र का पानी रहता है। तो समुद्र का तो स्वरूप बहुत है, कोई कहे कि बस ये जितना हमको दिख रहा है उतना ही समुद्र है, ऐसे थोड़ी है। तो भगवान ये नाम रूप में जो संसार दिख रहा है वो तो है ही है, पर उसके परे भी है। उनकी सत्ता, उनका स्वरूप और उनकी लीला अनिर्वचनीय है। वो तो शास्त्र और संत बताएंगे कि वो क्या है। अच्छा चलो इसको छोड़ देते हैं, हमको क्या करना है आप वो बताइए। तब महाराज जी कह रहे हैं अगले पैराग्राफ में, ध्यान से सुनिएगा। जब जीव प्रमादवश भगवान के स्वरूप और लीला को भूलकर उनसे भिन्न प्राकृत पदार्थों से सुख पाने की आशा एवं अभिलाषा करता है और बहिर्मुख होकर उन्हीं के पीछे भटकने लगता है, तब वह उद्वेग, अशांति एवं दुख से घिर जाता है। हमारी आपकी कहानी महर्षि यहाँ बता रहे हैं। प्रमादवश यानी सत्संग हम करते हैं, पर सत्संग की किसको सुननी है, किसको जीवन में उतारना है, छोड़ो इसको, ये तो बड़ा बवाल है। तो ये जो प्रमाद है यानी कि इतनी अद्भुत वस्तु हमको दी जा रही है जिससे हम लोग निर्भय हो सकते हैं, जिससे हम लोगों को किसी की भी किसी के डर की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव ईश्वर का स्वरूप है। तो प्रमादवश क्या करता है, भगवान के स्वरूप और लीला को, भगवान का स्वरूप कौन है, वो स्वयं, और लीला ये सब जो चल रहा है, उसने अपमान कर दिया, उसने हमारी पिटाई कर दी। अरे स्वप्न में तुम्हारा अपमान हुआ, पिटाई हुई, क्या वो सच्ची थी? और यहाँ भगवान शंकर का मैंने कई बार कहा जगत सब सपना, तो उनकी कौन सुन रहा है। इसको सत्य मानकर है ना, लीला को भूलकर, सत्य मानकर मतलब हम लीला को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए और इसको सत्य मान लिया। अब इसको जब सत्य मानेंगे तो होगा क्या उसका परिणाम, वो भी सुन लीजिए। उनसे, उनसे यानी भगवान से भिन्न, तो जितना सब है वो भगवान से भिन्न है। अभी अभी तो आपने कहा कि सब उन्हीं की लीला है, अब आप कर रहे हो, कह रहे हो भगवान से भिन्न है। भगवान से भिन्न है का मतलब भगवान सच्चिदानंद है, और ये जो है इसमें तो असत भी कि भाई मैं मर जाऊँगा है ना, अज्ञान भी चित्त का उल्टा, और आनंद, आनंद का उल्टा दुख। तो ये जो नश्वर और अज्ञान और ये दुख जो अनुभव में आ रहा है वो क्या है, वो उनसे भिन्न है। उनसे भिन्न यानी भगवान से भिन्न है, वो भगवान का स्वरूप नहीं है, वो हमारे अज्ञान के कारण है। भाई रज्जु थी मंद अंधकार में, मुझे सांप दिखाई दिया और मैं घबरा गया। मैंने यहाँ सुनाया एक महात्मा, सच्ची घटना है, बच्चे खेल रहे थे रबड़ के सांप से, और आते हैं यहाँ भी अभिदानंद जी उनका नाम है, तो फेंक दिया, वो सीढ़ी उतर रहे थे शिव जी के मंदिर की, और उनको लगा सांप है, बेचारे गिर गए घबरा के, हाथ टूट गया उनका, डेढ़ महीना प्लास्टर में हाथ पड़ा रहा।
तो मंद अंधकार में जब मैंने सर्प देखा तो वहाँ सर्प तो था नहीं, रस्सी का टुकड़ा था। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जब हमने सच्ची बात को तो भुला दिया कि मेरा स्वरूप भगवान का ही है, ईश्वर का ही है, और ये सब लीला चल रही है, तो उसका हुआ क्या परिणाम, क्या हुआ भगवान से भिन्न। तो भगवान से भिन्न ये जो हो रहा है अब, जो हमको संसार की चीज़ें और उनमें सुख का अनुभव हो रहा है वो सच्चा नहीं है, उसी को कह रहे हैं सपना। उनसे भिन्न प्राकृत पदार्थों से सुख पाने की आशा एवं अभिलाषा करता है। तो चलो सुख पाके दिखा दो। आज तक की हिस्ट्री में कोई भी ऐसा गृहस्थ नहीं है जो कह सकता है कि मुझे बड़ा सुख मिला, मैंने शादी की और मुझे बड़ा सुख मिला। रिकॉर्ड है आज तक की हिस्ट्री में, पर बस वही चल रहा है कि भाई यही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। करें, जरूर करें, करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम है उसके लिए शास्त्र सम्मति देता है, पर ये कहें कि उसमें हमको सुख मिल जाएगा वो असंभव है, क्योंकि भगवान ने पहले ही बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया संसार के ऊपर, दुखालयम। तो दुखालयम में अब सुख कैसे मिलेगा? औषधालय में औषध मिलेगी आपको, हमको कपड़ा दे दो। अरे भाई तुम कपड़े की दुकान में जाओ, वस्त्रालय में जाओ, है ना, यहाँ तो औषध चाहिए तो ले लो। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि इन जो संसार में हम जो सुख पाने की आशा एवं अभिलाषा करते हैं, और बहिर्मुख होकर, देखिए संत कहते हैं अंतर्मुख हो जाओ, है ना, भजन करो, अपना जो भी जीवन है व्यवहार है वो वैसे ही रखो, पर इस बात को जान लो कि सुख जो है वो ठाकुर जी के चरणों में ही है, ये संतों के चरणों में ही है असली सुख। ये जो है ये सुखाभास है, सुख नहीं है संसार में ऐसा संत नहीं कह रहे हैं, पर वो सुख का आभास है। सुख को पकड़ा उतने में दुख आ गया, सुख को पकड़ने के लिए गए उतने में दुख आ गया। तो बहिर्मुख होकर उन्हीं के पीछे भटकने लगता है। हम लोगों की कहानी सुना रहे हैं, तब क्या होगा उसका परिणाम, सब लोग इसका अनुभव करते हैं प्रतिदिन, पर इसका जो असली उपाय है वो कोई नहीं करना चाहता, बस उसी में एडजस्ट कर रहे हैं अंधेरे में। हम पहली बार आए गोपालगढ़, हमको 5 नंबर कमरा दिया मैनेजर ने, और बहुत सारा दुनिया भर का पता नहीं फर्नीचर रखा था, यहाँ अभी नहीं रखा है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ दृष्टांत। तो रात को हम उठे, ये पावर आवर उस समय मोबाइल वोबाइल थे नहीं, पुरानी घटना है, तो उठ के बाथरूम में जाने को गए और उसी में टकरा के हम गिर गए। अब जब मैनेजर को पता लगा तो है ना, उसी फर्नीचर में हटाया कुछ नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर दिया कि स्वामी जी है ना अब आप नहीं गिरेंगे। अरे भाई वो फर्नीचर को कितना भी एडजस्ट करो वो तो कमरा जो भरा हुआ है ना, दूसरे दिन फिर गिर गए। अरे ऐसे कैसे हुआ? वहाँ प्रकाश की व्यवस्था करो, कोई टॉर्च वहाँ रखो कि स्वामी जी ये टॉर्च रखिए, तो रात को उठो तो टॉर्च जला के आप बाथरूम में जाइए। ज्ञान को लाना पड़ेगा। अंधकार में ही हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं कि उद्वेग हुआ, अशांति हुई, दुख हुआ, तो चलो अब ऐसा कर लेते हैं, एक पत्नी मर गई, चलो अब दूसरी शादी कर लेते हैं। राम भैया सुना रहे थे, मुझे लगता है मुश्किल से 5 साल की आयु थी, उनकी माता जी मर गई, तो कोई संत थे तो उन्होंने कहा कि दूसरी शादी कर लो, पिताजी ने कहा नहीं, बुद्धिमान थे। तो ये तरीका नहीं है, तरीका ये है बहिर्मुख होकर उन्हीं के पीछे भटकने लगता है, ये तो अज्ञान है, ये तो अपना मूर्खता है, और उससे क्या होगा, वह उद्वेग अशांति एवं दुख से घिर जाता है। ये सब अनुभव कर रहे हैं उसी का यहाँ चित्रण कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। पर अब भगवान के बारे में देखिए वो कितनी कृपा करते हैं। भगवान वैसी स्थिति में भी उसे बार बार चेतावनी देते रहते हैं और प्रतीक्षा किया करते हैं कि वह यानी ये जीव यानी हम और आप अभिमान तथा भौतिक पदार्थों का भरोसा छोड़कर सच्चे हृदय से पुकारे, किसको, ठाकुर जी को, तो मैं अभी चलकर उसे गले से लगा लूं।
उस पर अपना अनंत प्रेम प्रकट करूं तथा सर्वदा के लिए सुख शांति के साम्राज्य में वास दे दूं। सुदामा गए। सुदामा को कोई आवश्यकता नहीं थी, पर वो सुशीला बेचारी इतनी दुखी थी, इतनी गरीबी। अरे तुम्हारे मित्र हैं, है ना, कम से कम जाओ तो सही, दर्शन करने चले जाओ। तो वो तो चाहते ही थे कि सुदामा आवे। वहाँ थोड़ी उसको अनुभव हुआ, द्वारिका में क्या किया भगवान ने वो उसको सुदामा को पता ही नहीं है। वो तो सुदामा पूरी पहुँचे तब पता लगा कि क्या नहीं दे दिया भगवान ने। तो भले सुशीला के कहने से ही गए और उनको वो वैभव चाहिए भी नहीं था, पर पत्नी को तो चाहिए था, तो कोई बात नहीं। पत्नी भी उस वैभव में अगर भजन नहीं करेगी तो उसका भी उद्वेग और अशांति बनी रहेगी। तो कहना क्या चाह रहे हैं महाराष्ट्री कि वो जो उद्वेग अशांति और दुख जो है हमारा, उस स्थिति में भी उसे बार बार चेतावनी देते रहते हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? अरे भाई, ये दुखाले में तुम सुख मत ढूंढो, है ना, कुछ हमारा भजन करो। भजन का स्वरूप क्या है? प्रतीक्षा किया करते हैं कि वह अभिमान तथा भौतिक पदार्थों का भरोसा छोड़कर, हम इस भरोसे को छोड़ना नहीं चाहते। आप लोगों की बात छोड़िए, हम लोग जो घर छोड़ के निकले हैं, हमारा भरोसा किस पे है? बैंक बैलेंस पे, है ना, भक्तों पे, शिष्यों पे, ठाकुर जी पे नहीं है। अरे आप तो ईश्वर के भरोसे घर छोड़ के निकले, अब आपकी ये दशा क्यों है? कितना कठिन है। तो कह रहे हैं सामान्य लोगों की बात छोड़ो, जिन्होंने गुरु के चरणों में इसीलिए आए कि हमको गुरु का ज्ञान मिले। गुरु का ज्ञान मिले तो कैसे मिले? पहले अभिमान तो छूटे, मैं इतना विद्वान, है ना, मैं इतना चतुर, मैं यहाँ अमेरिका हो आया, है ना, बाकी ये क्या है? और तो सन्यासियों को कोई ऐसी बुद्धि थोड़ी है, मैं कितना बुद्धिमान हूँ। वो अभिमान, वो भौतिक पदार्थों का भरोसा छोड़कर, क्योंकि इसकी भी क्या परिणति होनी है? ये अगर घर छोड़ भी दिया, गुरु के चरणों में आया और अभिमान और भौतिक पदार्थों का भरोसा कर रहा है, तो इसकी परिणति भी उसके जीवन में आप देखेंगे सिवाय उद्वेग, सिवाय अशांति, सिवाय दुख के और कुछ नहीं है। दुनिया भले पूजा करे, क्योंकि दुनिया के लोग तो मूर्ख होते हैं, है ना, अंधश्रद्धा होती है। भाई जो ब्राह्मण है, विद्वान है, वही तो संतों को पहचानेंगे, बाकी बेचारी जनता को क्या मालूम? जिसके बहुत बड़े आश्रम, जिसके बहुत बहुत बड़े बड़े, है ना, इस प्रकार के हॉस्पिटल और पाठशाला और वो सब नहीं। भौतिक पदार्थों का भरोसा छोड़ना पड़ेगा, है ना, ये अभिमान कि मैं इतना। ऐसे हैं, ऐसे संत भी हुए हैं राजा जनक के जैसे, जिनको इससे कुछ छू ही नहीं गया है, इतना वैभव है पर वो बिल्कुल असंग है। तो निंदा सबकी नहीं है, पर वैसी स्थिति में कौन है? राजा जनक जैसे ज्ञानी कहाँ मिलेंगे? टॉर्च लेके ढूंढो तब भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये तो सबको करना पड़ेगा। जो भी है वो जब दुखालय में सुख ढूंढ रहा है तो उसको कभी नहीं मिलना है। तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा? सच्चे हृदय से पुकारे। सच्चे हृदय से हम नहीं पुकार पाते, क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा भौतिक पदार्थों पे है। तो हम पुकार भी रहे हैं तो इसलिए पुकार रहे हैं कि आप हमको भौतिक पदार्थ दीजिए। भगवान कहते हैं उसका भी मुझे परहेज नहीं है, क्योंकि सातवें अध्याय में गीता में कहा चार प्रकार के मेरे भक्त हैं, जो कष्ट में हैं वो भी मुझे पुकारते हैं, जिनको कुछ चाहिए वो भी पुकारते हैं, पर मुझे पुकारते हैं। भगवान को खुशी ये है कि मुझे पुकारते हैं, कोई शनि देवता या, है ना, कोई दूसरे देवता, संतोषी माता या दुनिया भर के देवता हैं, है ना, उनके द्वार पे नहीं जाते। ये भगवान कहते हैं उदारा है सर्व एवेदे, सबके सब उदार हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनको वही चीज़ देंगे जो उनके हित में है। देवता लोग सीधा है, देवता की पूजा करो और देवता का सीधा हिसाब किताब है, ये पूजा कर दो और ये हम दे देंगे। भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान के यहाँ राधा गोपाल, राधा गिरधर गोपाल के चरणों में जब हम माथा टेकेंगे तो वो हमको वही चीज़ देंगे जो हमारे हित में है। यहाँ बैठे हैं सामने हमारे,
वो देंगे ही नहीं, हमको तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना तपस्या के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, लौकिक जीवन में भी पारलौकिक जीवन में भी। अब जो है समझ गलत होती जा रही है, लोभ बढ़ता जा रहा है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, लोभ नहीं बढ़ाना है। ठाकुर जी जो देंगे हमारे हित में देंगे, और देवता लोग जो देंगे वो अपने हिसाब किताब से देंगे। इसलिए ठाकुर जी ये नहीं कह रहे हैं कि अर्थ भक्त अर्थार्थी भक्त मेरे पास ना आवे, उनको तो खुशी है। परंतु और जगह हम जो दरवाज़ा खटखटाते हैं सेठ का या किसी मिनिस्टर का, है ना, ये सब गलत है, किसी देवता का। सच्चे हृदय से पुकारे, सच्चे हृदय से कहाँ पुकारते हैं, हमको दूसरा भी भरोसा है और ठाकुर जी भी हम चरण पकड़े हैं, तो वो नहीं चलेगा। ये तो जेलस लवर है, यानी मेरे से ही प्यार करे और किसी चीज़ से नहीं। महाराज पत्नी से प्यार करना छोड़ दें, पत्नी कहे कि पति से प्यार करना छोड़ दें। महाराज जी का पृष्ठ आ चुका है कि व्यवहार सब जैसे करना चाहिए वैसे करो, पर अपने हृदय में सबसे ज़्यादा प्रेम ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए। सच्चे हृदय से पुकारे तो मैं अभी चलकर उसे गले से लगा लूँ, उस पर अपना अनंत प्रेम प्रकट करूँ, तथा सर्वदा के लिए सुख शांति के साम्राज्य में वास दे दूँ। वे स्वयं उसके लिए कई बार मौका देते हैं, हृदय में प्रेरणा करते हैं, संतों को भेजते हैं और स्वयं आते हैं। महाराज जी इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि भगवान कितनी योजनाएं हमारे लिए बना रहे हैं, परंतु जीव की यह मोह निद्रा टूटे तब तो यह आयोजन सफल हो। ये जो भगवान का आयोजन है कि संतों को भेजना, सत्संग करवाना, है ना, स्वयं आना, हृदय में प्रेरणा करना, कई बार मौका देना, ये योजना, ये आयोजन उनका कब सफल हो, जब हमारी मोह निद्रा टूटे, यानी हम जब चाहेंगे कि हमारी निद्रा टूटे तभी टूटेगी। एक संत हैं, बहुत बढ़िया बात कहते हैं, संत लोगों को भेजते हैं ठाकुर जी, संत के रूप में स्वयं ही आते हैं। अब संत जो हैं अपना कार्य करते हैं जो उनको दिया गया है, तो दुनिया के लोग कहते हैं कि भाई हमको डिस्टर्ब मत करो, आपको अपना भजन करना है आप करो, है ना, हमको बेकार में परेशान मत किया करो। ये स्थिति है, ठाकुर जी का आयोजन चलेगा कैसे, वो सफल होगा ही नहीं, क्योंकि मोह निद्रा से कोई उठना ही नहीं चाहता। भगवान की दया का तो क्या वर्णन किया जाए, उन्होंने तो समस्त जीवों को दया के समुद्र में ही रख छोड़ा है। जब कुंती पुत्र कर्ण अपने को कौन्ते नहीं जान रहा था, तब भी वो कौन्ते ही था, भले उसको अज्ञान था पर वो कुंती पुत्र ही था। इस समय भले मैं अपने को सच्चिदानंद रूप से, जिस रूप में अभी महाराज ने बताया कि सुख शांति के साम्राज्य में वास दे दूं, तो सुख शांति का साम्राज्य का वास इस समय भी है, परंतु क्या है कि अज्ञान है। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए संतों को भेजते हैं, है ना, तो भगवान की दया का तो क्या वर्णन किया जाए, उन्होंने तो समस्त जीवों को दया के समुद्र में ही रख छोड़ा है, यानी अलग से कुछ देंगे भगवान ऐसा नहीं है। ये जो अज्ञान है उस अज्ञान को हटा देंगे। माला कई बार मैंने सुनाया, इधर पीछे सरक गई थी, हम अपने कमरे में ढूंढ रहे थे, हमारे शुभम आए और देखा कि स्वामी जी कुछ ढूंढ रहे हैं, पूछा हमको, हमने बताया कि शुभम माला जो है वो नहीं मिल रही है, तो यहाँ पीछे खसक गई थी, तो इन्होंने देख लिया कि गले में ही माला है स्वामी जी के, तो वहाँ से थोड़ा खींच के दिखाया कि स्वामी जी माला तो आपके गले में ही है। तो इसको कहते हैं संस्कृत में प्राप्तस्य प्राप्ति। माला शुभम ने कहीं दिखाई नहीं हमको कि यहाँ यहाँ आपकी रह गई, पहले से ही माला हमारे पास थी और उसी को दिखा दिया। तो दया के जीवों को दया के समुद्र में ही रख छोड़ा है, उनके अनंत उपकार, अपार कृपा और अपरिमित प्रेम से सबके सब दबे हुए हैं, अलग से कुछ देंगे नहीं,
बस ये अज्ञान है, उस अज्ञान को हटा देंगे। जब अभिमान, कामना और भय के थपेड़ों से व्याकुल होकर रजोगुण के नाना व्यापारों से उबकर नरक स्वर्ग आदि में चक्कर खाते खाते परेशान होकर भी लोग सात्विकता, देवी संपत्ति एवं भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते, उल्टे तमोगुण की प्रगाढ़ निद्रा में सो जाते हैं। भगवान के पांच अवतार में अवतार पर बोल रहे हैं, तो होता क्या है कि इतना सब होने पर भी नहीं जागा और फिर प्रलय हो गया, तो चराचर का प्रलय हो जाता है। अब प्रलय में क्या हुआ, जीव तो प्रलय की निद्रा में चला गया ना। तब यदि भगवान प्रकृति को क्षुब्ध करके इन्हें जगाते नहीं तो उस मोह निद्रा से कैसे छुटकारा मिलता। तो अभी तो मोह निद्रा है ही है, प्रलय में और गाढ़ मोह निद्रा हो गई, तो वहाँ भी कृपा करते हैं, फिर प्रलय से फिर सृष्टि करते हैं ताकि जितने जीव प्रलय में सोए हुए हैं वो जागे। अब जाग के फिर उन्होंने अपना वही धंधा शुरू कर दिया। भगवान क्या कर रहे हैं, सोते से जगाया, ज्ञान का संचार किया, तम से रज में लाकर सत्व की ओर अग्रसर किया। अब क्या जीवन दान करने वाले प्रभु की शरण लेना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते। ऊपर तो पहले सामान्य बता दिया और इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि प्रलय से भी वही कृपा करके उठाते हैं, और उठाने के बाद जब इतना उन्होंने कर दिया तो हमारा भी तो कुछ उत्तरदायित्व है। अंत में कह रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, लिप सर्विस कहते हैं अंग्रेजी में, यानी सुन लिया और सुन के बस, जैसे अपने से बना तो क्या बना वो देख रहे हैं, उसको बता रहे हैं हमारे से क्या बनता है। केवल कृतज्ञता की दृष्टि से ही नहीं चल सकता, हम चाहे जितना प्रयत्न करें, जितना हाथ पैर पीटे हैं, उनके बिना हमारे सुख शांति आदि स्थायी भी तो नहीं रह सकते। दो चार दिन के लिए कुछ गुणों की छाया भले ही आ जाए, भगवान के बिना उनका टिकाऊ होना असंभव है। क्या कह रहे हैं महाराज श्री, यानी ये जो कृतज्ञता की दृष्टि है हमारी, उतने से नहीं चलेगा, हमको सच्चे हृदय से पुकारना पड़ेगा और फिर वो जो हमको बतावें वो करना पड़ेगा। दो चार दिन के लिए कुछ गुणों की छाया भले ही आ जाए, है ना, जिस प्रकार हमारी टूटी फूटी मरी मरी जो सेवा चल रही है उससे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होना है, तो फिर कैसे होगा महाराज, भगवान के बिना उनका टिकाऊ होना असंभव है। तो वो और हम अभिन्न हो जाए, हम उसमें पूर्ण शरणागति हमारी हो जाए, तब ये काम बनेगा। ये आज की बात नहीं है, सर्वदा से ऐसा ही होता आया है। तो आज का पृष्ठ ये न सोचे कि भाई ये इस समय की समस्या है, अनादि काल से बस यही हो रहा है। ये प्रमाद में जीव जो है वो जागने का उसने नियम, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं जगूंगा नहीं, चाहे कितनी आयोजन कर ले भगवान। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये आज की बात नहीं है, सर्वदा से ऐसा ही होता आया है। नारायण नारायण नारायण।